मेरे साथ है प्रख्यात स्त्री और पांचपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा जी। हम नेहा जी से जानना चाह रहे हैं कि IVF जो आज के निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान माना जा रहा है, इसके विषय में हमें जानकारी दें। IVF आखिर है क्या? IVF या लेमैन टर्म में या आम भाषा में जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, ये एक साइंटिफिक तरीका है जो कि जो कपल्स या दंपत्ति इनफर्टिलिटी या बांझपन से जूझ रहे हैं उनको संतान सुख देने का एक ट्रीटमेंट है। IVF में बेसिकली होता क्या है कि स्त्री को मासिक के दूसरे या तीसरे दिन से हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं और उनका रेगुलर मॉनिटरिंग होता है अल्ट्रासाउंड से। जब उनके अंडाशय में अंडों का साइज मतलब एक पर्टिकुलर 18-20 मिलीमीटर पहुंच गया रहता है तो उनको एक छोटी सी ऑपरेटिव प्रक्रिया जिसको ओवम पिकअप कहते हैं, जो कि एनेस्थीजिया के अंडर एनेस्थीजिया होता है, उस प्रोसीजर से उनके शरीर से अंडे उनके अंडाशय से बाहर निकाल लिया जाता है। जिस दिन OPU की प्रक्रिया होती है उसी दिन उनके हस्बैंड का भी सीमेन कलेक्ट किया जाता है और फिर लैबोरेटरी में स्पर्म और जिसको कि पुरुष का कीरा या शुक्राणु बोलते हैं और अंडे को फर्टिलाइज किया जाता है लैब में और फिर भ्रूण या एम्ब्रियो तैयार किया जाता है। और फिर जब ये एम्ब्रियो या 3 दिन या 5 दिन डिपेंडिंग कि किस क्वालिटी का है, फिर से इस भ्रूण को वापस स्त्री के गर्भाशय में डाला जाता है ताकि वो गर्भवती हो सके। तो मोटा मोटी IVF की प्रक्रिया में यही किया जाता है।